नमस्कार, मैं मौली साहू स्वागत करती हूँ आपका न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस न्यूज में। चले बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। झारखंड गिरिडीह से अजय चौरसिया की रिपोर्ट। 20 फरवरी को गिरिडीह स्टेडियम में मुख्यमंत्री के एक कार्यक्रम से लौट रही एक ऑटो के पलट जाने से महिला समूह की एक महिला की मौत हो गई, साथ ही अन्य 6 महिलाएं घायल हो गई। ये सारी महिलाएं परिटांड प्रखंड के मधुबन पंचायत अंतर्गत अंतर्गत पांडे डीही के रहने वाले थे। घटना के दिन कई राजनीतिक नेताओं ने अपने चेहरे चमकाने के लिए भीड़ को हवा दी एवं परिटांड के चिरकी में सड़क जाम कर दिया था, जिसमें आरोप प्रत्यारोप के बीच में माननीय विधायक के ऊपर भी कई टिप्पणियां की गई थी, लेकिन किसी भी नेता ने आगे आकर पीड़ित परिवार को कोई मदद नहीं दिला सका, सिर्फ अपनी राजनीतिक नोटियां सेकने के लिए भीड़ को उकसाने का काम किया। लेकिन बड़ा दिल रखते हुए गिरिडीह के माननीय विधायक श्री सुदिव्य कुमार सोनू ने आज पांडेडीही पहुंचकर ग्रामीणों की उपस्थिति में मुख्यमंत्री राहत कोष से मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन द्वारा प्रदत्त कुल 4.5 लाख रुपए का चेक अपने हाथों से पीड़ित परिवार के हाथों में सौंपा। गांव की सभी महिलाओं एवं पुरुषों ने इस पहल की सराहना की एवं माननीय विधायक को साधुवाद किया, साथ ही किसी भी बाहरी नेता के बहकावे में ना आने की शपथ ली। मौके पर माननीय विधायक के अलावा झमुमो से अंबिका राय, हरिलाल महतो, युवराज महतो, विद्याभूषण, गोपाल शर्मा, दिलीप तुरी, वैजनाथ महतो, प्रकाश साव, नरेश कुमार, गुड़िया देवी महतो समेत ग्रामीणों में से किष्टू महतो, शानू महतो, दीपक महतो, विनोद महतो, लखन महतो, संजय महतो, डालेश्वर महतो, रमेश मोदी, धनंजय महतो, कुलदीप महतो आदि मौजूद थे। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहे न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस न्यूज। धन्यवाद। साथ ही खड़ा करके खिंचवाना होगा। विद्या सुनो, सटो विद्या। दिक्कत की बात क्या है कि गुड़िया के हम तभी जो घायल हो से बता दिया, अब वो 5 गोटी के नाम पे चल रहे दल के, और हमने देखे के लिए कौन ज्यादा घायल है तो कम घायल है, सब गोटी वास्ते 25,000 करके वहां से हम लोकेशन भी अच्छा कर रहा है पहाड़ का, थोड़ा इधर काम तो थोड़े आदमी है ना, लो तो जितने बारे में जो सोच रहे वही काम ही ले कर बे, थोड़ा इधर घूम जाइए, हाँ ऐसे घूम जाइए, थोड़ा और फैल जाइए, हाँ आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, हाँ इधर देखिए सामने, आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहे न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस न्यूज। धन्यवाद।